huh? Hello everyone, what's up? My name is Adroflo and welcome to my channel. Different background. This is my sister's place. मैं यहीं रुका था, इसलिए vlog यहाँ पे start कर रहा हूँ. Anyways, Ramadan Mubarak to everyone. आज हमारा पहला रोज़ा है और सुबह 5 बजे हमने सहरी करके रोज़ा स्टार्ट किया था. अभी बज रहे हैं 1:46, ऑलमोस्ट 2 o'clock, और 7 बजे तक हमें वेट करना है और 4-5 घंटा. बट अभी तक तो 2 बजे तक इतना कुछ फील नहीं हो रहा है, तब नॉर्मल है. आगे चल के थोड़ा 3-4 बजे हालत ख़राब होगी, शायद होनी तो नहीं चाहिए बट मुझे पता है होगी. और आज पहला रोज़ा है और हर रमज़ान में ना होता है ऐसा कि स्टार्टिंग के जो 4-5 रोज़े रहते हैं वो थोड़े फील होते हैं, तो आज तो पहला है और मुझे पता है कि आज तो थोड़ी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि सुबह में मैंने सही से सहरी भी नहीं किया था, सो गया था मैं, उठ के ज़बरदस्ती खा के फिर से सो गया था, तो आज थोड़ी मेरी हालत टाइट होगी. बट ये सब चीज़ें तो रियलाइज़ करवाई कि बाहर जो गरीब लोग भूखे रहते हैं और कुछ खाने के लिए उनके पास रहता नहीं, एक एक दो दो दिन, तो उनको क्या फील होता है, ये हमें ये फास्टिंग में रियलाइज़ होगी ये चीज़. तो यही चीज़ सोच के कल मैं और मेरे पापा बाहर गए थे कुछ गरीबों में खाना बांटने के लिए. मैं अभी यही वेट करता हूँ, आप लोग वो क्लिप देख के आओ, थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक. सो गाइज, आज हम लोग अभी निकले, ये मेरे पापा साथ में, और आज हम लोग का यहाँ पे साथ में निकलने का मकसद ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा गरीबों में खाना बांटने के लिए. अभी आप लोग सोच रहेंगे कि ये बोल रहा है कि खाना बांटने जा रहे हैं, शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है. देखो गाइज, ये शो ऑफ तो नहीं है, मैं ये चाहता हूँ, मेरे दिल में ये है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मेरे अगर 40,000 सब्सक्राइबर्स में से अगर किसी ने भी, अगर 4 लोग ने भी मेरा वीडियो देख के अगर किसी थोड़े बहुत गरीब में खाना बांट दिया, तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो रीज़न था, जो पीछे जो एम था ये वीडियो बनाने का, वो सक्सेसफुल हो जाएगा. तो आज हम लोग अभी निकले हैं, मैं और मेरे डैडी, वहाँ पर हम लोग ने खाने का ऑर्डर दिए थे एक जगह, वहाँ से खाना पिक करेंगे, डिक्की में रखेंगे, और जितने भी हो सके हमारे एरिया में, मीरौड़ में, जो भी हमें दिख रहा है कि जो भूखा है और जो गरीब है, जो जिनके पास अभी खाने के लिए नहीं है लॉकडाउन की वजह से. आपको पता है कि लास्ट टाइम भी लॉकडाउन जब हुआ था तो कितने लोगों को परेशानी हो गई थी और कितने लोग भूखे मर रहे थे. तो अभी लॉकडाउन फिर से चालू हो गया मुंबई में, तो हम लोग का फिर से ये है कि निकलते हैं और जितना हो सके हम लोग गरीबों में हेल्प करेंगे और खाना बांटेंगे. जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि वो लोग भी अपने आगे बढ़ें और जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको, उन तक खाना, राशन, जो भी आप हेल्प कर सकते हैं, आपकी जितनी इस्तेतात है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ें. आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, ऐसा नहीं कि जितना ही, जितना आप लोग कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हम थोड़े 5 से 10 लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात. तो भाई ये देखो, इसके अंदर पूरे खाने के पैकेट्स, इसके अंदर पानी की बॉटल, और पानी की बॉटल आगे से लेना है. और आज काम की शुरुआत यहीं पर ही, जहाँ से खाना लिए वहीं पर ही. ऑलराइट गाइस, सो खाना वाना बांट के एकदम खत्म हो गया, एकदम शाम भी होगी हल्की हल्की, देखिए खाली हो गई, देखिए खाली हो गई है खाने से और पानी से. क्या बोलते पापा, मजा आ गई ना? हाँ, किसी को बांटने से और किसी भूखे को खिलाने से जो खुशी मिलती है, सही में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं हम लोग, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. और इंशाल्लाह ताला ये फिर से हम अभी अपने आप को तैयार करके फिर से, हाँ, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला फिर बांटेंगे, फिर से बांटना चालू करेंगे. कल से लॉकडाउन हो जाए, रमजान मुबारक सबको, कल से हो सकता है रमजान चालू हो जाए, कल चांद हो जाए इंशाल्लाह. तो आप तमाम लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, रमज़ान मुबारक. सो गाइस, बैक टू नॉर्मल व्लॉग. कौन मिला मेरे को? देखो कौन मिल रहा है, कौन मिल रहा है रोजे में. मैं देखो रोजदार, भूखा प्यासा. अभी क्या टाइम हो रहा है? इट्स 5:35 और 7 बजे तक कितना, डेढ़ घंटा बर्दाश्त करना है. और मैंने आप लोग को बताया था ना कि पहला रोज़ा लगेगा और लग चुका है, मुँह सब सूख गया है और पेट भी एकदम ऐसा थड़ी थड़ी चिपक गई है, बट मजा आ रही है. सो फार सो गुड, सो फार. और क्या बोलते हैं अपन, कब रख रहे भाई रोजा? मुझे नहीं पता, तू तो मिल ही नहीं रहा, क्या बोलूं मैं. अरे ऐसे कैसे नहीं, कल ही तो था साथ में, मैं तेरे मिल ही नहीं रहा, कल ही साथ में घूम रहे थे हम लोग. चांद रात के दिन, चांद रात के दिन नहीं तो
क्या है कि हम लोग ने कभी कैसे साथ में रमजान सेलिब्रेट नहीं किया. लास्ट ईयर लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मेरा रमजान लास्ट टू लास्ट ईयर कुछ और नहीं, यही था बट कुछ और में था. मैं नहीं, यही था. मेरे को मालूम है, मैं मनाली से आए थे, तेरी यही थी. मनाली से आए थे फिर अपन, मैं सऊदी चला गया था. मेरा रमजान सऊदी लास्ट. बात हो रही है कि अदनान ने हमारे साथ एक भी रमजान सेलिब्रेट नहीं किया है, तो इस बार हम सोचे कि मौका है, दस्तूर है, अपना खुद का घर है, तो इस बार हम साथ में रमजान सेलिब्रेट करते हैं. तो कोई अकेला अकेला फील नहीं होगा. लास्ट टाइम जो अकेला अकेला फील होता था गाइज, अकेले सहरी करता था, अकेले इफ्तारी करता था. इस बार का रमजान है ना, बहुत मेरे लिए बहुत सुकून वाला गुजरने वाला, क्योंकि फैमिली के साथ रहूंगा मैं ये टाइम. चलो इफ्तारी बाद मिलता होगा आप लोगों में, ठीक है. सो गाइज, फाइनली भाइयों के साथ मिलाप हो गया है मेरा. पूरे दिन से थका हारा मैं आया, इतने सारे काम वीम निपटा के आ गया मैं फाइनली. और मेरे को ब्लैक अच्छा लगता है, मैं पहनूंगा बाद में. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ना, एक कमेंट आया था ऋषि का कि ऋषि हमेशा ब्लैक क्यों पहनते हो, तो बता दे कुछ है. और नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ब्लैक पहनना, तो मैं जितना हो सके ब्लैक ही पहनता हूं. ब्लैक लवर. मेरे पास ब्लैक पैंथर, इसके पास है लाइगर, नहीं व्हाइट टाइगर. व्हाइट टाइगर है इसके पास, और इसकी है चुटकी. चुटकी नहीं, चुटकी कब हम लोग ने रखा. तुम लोग कौन हो जो मेरी गाड़ी के वाले लोग का नाम चुटकी रखे. बट ऋषि, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट, एक मिनट चलो, मेरी गाड़ी है मैं नाम रखूंगा. अच्छा, मेरे बच्चों का क्या रख रहे हैं? अच्छा, मेरे बच्चों का नाम तुम लोग रखो, मेरे हमारा हक नहीं है. नहीं, मेरे बच्चों का नाम रखने का नहीं है. अच्छा बता गाइस, हां मेरा समझ में, गाड़ी बहुत छोटी सी, प्यारी सी, मस्त है. चुटकी चुटकी तो शेर गाड़ी एकदम. चुटकी क्या होता है? बड़ी है थोड़ी तो. हट, मेरी गाड़ी क्या थी? व्हाइट टाइगर. व्हाइट टाइगर BMW. अच्छा नाम है. हां गाइस, मेरे पास BMW. तो गाइज, इसकी है व्हाइट टाइगर, मेरी है ब्लैक पैंथर, और नाम सूट कर रहे हैं दोनों पे. इसकी BMW पे व्हाइट टाइगर, और इसका एक मिनट, BMW पे व्हाइट टाइगर. हाँ, और वो धन्नो, वो बादल है, वो तो बादल है. धन्नो मेरी थी, मेरा पहले से शेर था. अभी नहीं ऋषि, देख भाई, चलो आई एम आउट, मैं लॉन्ग में नहीं हूं. इधर आ, बट अपन मैं तुमको समझाना चाहता हूं. तेरा लॉजिक ना बचपन से अच्छा लगा ही नहीं. अच्छा, बाय द वे गाइस, आज मैं था नहीं तो ये दोनों गए थे कहाँ? शॉपिंग करने. लॉकडाउन हो गया गाइस, तो शॉपिंग तो जरूरी है ना. तो बताओ मेरे को क्या क्या लेके आजा ऋषि, बता. शो मी. ओह माय गॉड, सो बड़ा ब्रेड का पैकेट जो भी सड़ने वाला है. अदनान ने क्या मंगाया हूं मैं? क्या है? 1, 2, 3 गो मैसूर पाक. मैसूर पाक, बाकी वो वैसा दिख नहीं रहा. सेम टेस्ट खत्म यार, एक नंबर. ओह माय गॉड, शिजवान ये नया लेके आया क्या? हाँ, मैगी में चाहिए ना. हाँ, रेड बुल. ओह हो, थम्सअप का बॉटल नहीं लेके आया, बिक का लेके आया, सस्ता रहता है ना. हाँ, जूस तेरे लिए लाया. तेरे लिए और सस्ती चीज तेरे लिए. स्प्राइट भी है और रेड बुल हमारे. और क्या और है? मैगी तो भर के लेके आ रहे, बनाएंगे किस पे? गैस भी आ रहा है कल, फाइनली गैस लाएंगे, और इसीलिए मैगी भी लेके आए. अलग अलग चीजें बनाएंगे, कॉफी भी लाए थे. हाँ, मैं सूप भी ले गया हूँ, नीचे पड़ा है, यहाँ पे आओ. अरे बाप रे, मिलानो. ओ फुल स्टॉक डब है, एकदम एकदम स्टॉक. दूध का भी ले गया क्या? नया? हाँ नया, दूध भी खत्म हो गया था. नया ही है वो. ऋषि उंगली, ऋषि उंगली चुन चुन चुंग लिया चुन. अरे ओ माय गॉड, वो देख तेरे पीछे ऑरेंज वाला बॉल दिख रहा है, वो उठा. अरे मगर मैंने भी कहा तेरा कुछ बिगाड़ा. जिसका ब्लॉग देख बंदा, कौन मारा देखते को. अभी मैंने देखो मारा. मत कर भाई, प्लीज मत कर, प्लीज. जिसका ज्यादा लगा उसको मार, प्लीज.
क्या कर रहा है विशाल? टेबल टेनिस खेल रहा है। आई बोर्ड मार दिया भाई। हाँ भाई, ये तो इलीगल है। फिर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और उसी लाश का बोल सुरक्षित रहे। क्या लेना? Pull up to the crib, okay. I'm equipped with the breaststrokes. Cut throat from the low, where no love goes. Women buddy, like it's been dad. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out. Let the smoke scream from my chest out. Niggas make stuff, I really hate love from a stranger. Shit is fake stuff, only need it from you. Yeah. Crash land in the palm of my hand. Bad little flex, wanna play by the coast. Carry the torch, I'm way up, it's litty wherever we float. Came from the cold, used to rest on the floor. I stitch up my wounds, was born a soldier. Flipping the struggle, I'm taking